आज हवा ठंडी ठंडी चल रही, मौसम भी साफ हो गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हमेशा आप सबके लिए वीडियो के शुरू में यही दुआ करता हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने को सेहतमंद औलाद दे। तो कैसे हैं आप? मगरिब तकरीबन होने वाली है, चंद मिनट बाकी हैं इफ्तार में। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आने वाली हैं। इफ्तार दिखाएँगे, उसके बाद सोने तक की रूटीन आपको नज़र आएगी कि माह रमज़ान में हम अपने विलेज में, अपने घर में इफ्तार के बाद हमारे मामूलात क्या होते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, लाइक भी करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इफ्तार करते हैं। तो रेडी हैं और पानी भी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो खजूर भी है हमारे पास, पानी भी बेगम साहब ने बना लिया है। दुहेब को दें पानी। ये खजूर भी रखे हैं। तो बेगम साहब तंदूरी रोटी लगा रही हैं, तो थोड़ी ही देर में रोटी तैयार हो जाती है। तो मैं जानवरों को पानी पिला लूँ। हाँ, तो जल्दी से खाना बना लें आप। क्या चीज है? है तो कुछ भी नहीं, क्या देखा? जानवर है, राखी के लिए तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है वो भी। बच्चे तो पहले ले आए थे सारे। अच्छा, लाई गंदम है तो तंदूरी रोटी थोड़ी हार्ड हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बच्चों खाओ, खाओ बच्चों खाओ। बिस्मिल्लाह।
जुहेब सो गया है। बेगम साहब तो चाय बनाकर आ गई है, तो ये चाय हम डेली ऐसे समझ लें खाना खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर में दर्द होने लगता है ना सारा दिन, तो इसलिए चाय तो लाजमी हम पीते हैं। साकिब जुहेब दूध पियेंगे, ये चाय क्यों पियेंगे, क्यों साकिब जी? जुहेब को नींद आ रही है, ये तो चारपाई के ऊपर लंबा हो गया है, तो जल्दी से इसको बिस्तर बना दे। तो कुछ मेरे दोस्त हैं, रहमतुल्लाह है, इस्लामाबाद से, उन्होंने दुआ के लिए बोला था, तो अल्लाह ताला उनके जो भी मसाइल हैं वो हल करे और उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एक और मेरे दोस्त ने कमेंट्स में बोला कि मेरे अब्बू, उनका नाम जवेद है, वो इस जहान फानी से चले गए हैं, वफात पा गए हैं, उनके लिए भी अपने व्यूअर्स को दुआ के लिए बोलना। तो सबने, आप सबने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें कायम रखे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इस नेक महीने के सदके अल्लाह ताला उनकी गुनाह माफ़ फरमाए। एक और मेरे दोस्त हैं सैयद शमशेर अली शाह, तो इन्होंने भाई की जॉब के लिए दुआ के लिए बोला था, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपके भाई की जॉब अच्छी जगह लग जाएगी। ये तो सो ही गया, मेरा बिस्तर भी ले आए, साकिब भी सीधा हो गया, तो सारा दिन खेलते हैं और क्या खूब खेलते हैं कि सारा दिन गर्मी भी इनको महसूस नहीं होती। कि स्कूल से आते हैं फिर मगरब तक, तो देखिए अब इनकी कंडीशन देखिए, ऐसे मालूम होता है सालों के थके हुए हैं। आज हवा ठंडी ठंडी चल रही, मौसम भी साफ हो गया, बिल्कुल ताजी हवा, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरा बिस्तर भी बेगम साहिबा ने लगा दिया है, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद नमाज ईशा और नमाज तरावी। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, कि हमारी अफ्तार और अफ्तार के बाद रात जो होती है सोने तक, उसकी आज रूटीन हमने शेयर की आपसे। तो खाना भी हम किस टाइम खाते हैं, माह रमज़ान में, बाद में तो चेंज हो जाएगा लेकिन ये माह रमज़ान में ऐसा चल रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि अपने प्यारे दोस्तों को, अपने प्यारे व्यूअर्स को भी शेयर करते हैं कि विलेज में रात को इफ्तार और इसके बाद मिडनाइट तक हमारी क्या रूटीन होती है। तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाया सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं, इस माह सयाम रहमतों और बरकतों वाले महीने के सदके अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर दुख दर्द से, हर दुख और तकलीफ से दूर रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा, उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।